हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फ्लुएंट एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने सेट थ्योरी के बारे में बताए थे, आज हम समुच्चय के भेद को जानेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है काइंड ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय के प्रकार, ये समुच्चय के भेद भी कह सकते हैं। तो पहला है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। जिस समुच्चयों में अवयवों की संख्या परिमित हो उसे परिमित समुच्चय कहा जाता है। जैसे कि सप्ताह के दिन, इसकी संख्या फिक्स है, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अंग्रेजी के स्वर जैसे 5 होते हैं, तो इसको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। दूसरा है अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय इन्फिनाइट सेट, वैसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या अनगिनत हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे विषम संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, 7, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो कि अनंत तक होता है ये संख्या, तो इस प्रकार से ये अपरिमित समुच्चय है। तो आइए तीसरा है रिक्त समुच्चय, नल सेट या एम्प्टी सेट, या इसे ही कहते हैं वॉइड सेट। वॉइड सेट यानी खाली सेट, जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट, इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि सारणी रूप में रिक्त समुच्चय को किस प्रकार सूचित किया जाता है। बस रिक्त समुच्चय को सारणी रूप में सूचित करने के लिए 2 मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं, इसी से निरूपित करते हैं रिक्त समुच्चय को। आइए अब हम मिडिल ब्रैकेट को खाली रखने का अर्थ है कि एक भी अवयव नहीं है। अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर 0 है तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव है जो कि 0 है। 0 का बहुत ही महत्व होता है, जिस प्रकार से अंक गणित में 0 का महत्व है उसी प्रकार से सेट थ्योरी में भी इसका महत्व है। नेक्स्ट है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, जिस सेट में एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। द सेट हैविंग 1 and only 1 एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट, जैसे एक सेट है ए, उसमें एक सदस्य है 2। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है युग्म समुच्चय, पेयर सेट, जिस समुच्चय में केवल 2 अवयव हो युग्म समुच्चय कहलाता है। द सेट हैविंग 2 and only 2 एलिमेंट इज कॉल्ड ए पेयर सेट, जैसे ए कोई सेट है जिसमें 2 अवयव है 1 और 2, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 और 2 2 सदस्य है। नेक्स्ट है उपसमुच्चय, अब हम जानेंगे उपसमुच्चय क्या है। सबसेट, यदि ए और बी 2 इस प्रकार के समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, सेट ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है। ये देखिए, ये सबसेट का निरूपण है। सबसेट जैसे कोई सेट है ए, उसमें सदस्य है 1, 2, 3, 4, और दूसरा सेट है बी जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, तो सेट ए का 1, 2, 3, 4 सभी इसमें बिलोंग करता है, तो ए कहलाएगा सबसेट ऑफ बी। अब देखिए नेक्स्ट है सुपरसेट, अधिसमुच्चय। सुपरसेट क्या होता है, यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए, तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, यानी कि सुपरसेट कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, बी सुपरसेट ए द्वारा सूचित किया जाता है। यदि ए कोई सेट है और उसमें अवयव है 1, 2, 4 और दूसरा सेट है बी 1, 2, 3, 4, 5, तो ए का पूरा मेंबर बी में बिलोंग करता है, तो बी को कहा जाएगा ए का सुपरसेट। अब नेक्स्ट है शक्ति समुच्चय यानी पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं, किसी समुच्चय ए का पावर सेट वह समुच्चय है जिसके अवयव समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चय हैं, यानी कि किसी समुच्चय ए का शक्ति समुच्चय यानी पावर सेट वह समुच्चय होता है जिसके अवयव समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चय में शामिल होता है। इसे पी ए या 2 to the power a द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल है, यदि मान लीजिए ए कोई सेट है जिसका सदस्य है ए बी सी, तो इसका जो पावर सेट लिखेगा, तो पावर सेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो पी ए इक्वल टू 2 to the power a, और इस प्रकार से हो जाएगा इसके सभी संभव उपसमुच्चय 2 to the power a इक्वल टू 5। ए एक सबसेट है, यहाँ ए सिंगल सेट है, फिर सी है, फिर ए बी है, बी सी है, सी ए है, और इस प्रकार से फिर ए बी सी तीनों एक साथ है। इस प्रकार से ये हो गया हमारा पावर सेट। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट है समष्टि या समुच्च, यूनिवर्सल सेट, वैसा समुच्च जो किसी विचार विमर्श के अंतर्गत आए सभी समुच्चयों का अधि समुच्च है, इसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम ओम या कैपिटल यू से सूचित करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ दिखाया जा रहा है। अब एग्जांपल है, यदि यू यानी यूनिवर्सल सेट है जिसका सदस्य है 1 2 3 4 5 6 और ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 यानी कि जो यूनिवर्सल सेट में सदस्य है वो ए में भी पूरा का पूरा है, तो हम क्या कहेंगे, ए जो है वो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। ये क्या है, देखिए यहाँ हम नोटेशन बता दिए हैं, ए सबसेट है, नीचे अंडरलाइन नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट होता है। अब बी कोई सेट है जिसका सदस्य है 2 4 6, सी कोई सेट है जिसका सदस्य है 1 3 5, डी कोई सेट है जिसका सदस्य है 4 5 6, तो हम पाते हैं कि ए जो है सबसेट है, बी क्या है प्रॉपर सबसेट है, सी क्या है यूनिवर्सल सेट का प्रॉपर सबसेट है, डी क्या है प्रॉपर सबसेट है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं असंयुक्त समुच्च, इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। यदि ए और बी दो वैसा समुच्च है कि एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि दो सेट ए और बी है, दोनों में कोई भी सदस्य कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो इन्हें हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, इन्हें हिंदी में असंयुक्त समुच्च कहते हैं। जैसे एक सेट ले लेते हैं ए जिसका मेंबर है 1 2 3, दूसरा सेट बी है जिसका मेंबर है 4 5 6, तो देखिए ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी क्या है असंयुक्त समुच्च है। अब देखिए नेक्स्ट है 11 नंबर, यथार्थ उपसमुच्च प्रॉपर सबसेट। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में नहीं है, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट यथार्थ उपसमुच्च कहते हैं। यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो लेकिन बी में कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है लेकिन कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो कि ए में नहीं है, तो ए को बी का यथार्थ उपसमुच्च कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, ए कोई सेट है जिसका मेंबर है 1 2 3, बी कोई सेट है जिसका मेंबर है 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ए का पूरा सदस्य बी में बिलोंग कर रहा है, तो बी में और भी सदस्य बच रहा है जैसे 4 5 6, तो ए को क्या कहेंगे, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब अयथार्थ उपसमुच्च है इम्प्रॉपर सबसेट, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ए को बी का वह यथार्थ उपसमुच्च इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 2 1, तो ए का जो मेंबर है 1 2 3 वो बी में भी है, सिर्फ जिगजाग है, उल्टा पुल्टा है, टेढ़ा मेढ़ा, 3 2 1, तो ए जो है बी का अयथार्थ उपसमुच्च है यानी इम्प्रॉपर सबसेट है। तो अभी हम समझे कि समुच्च के भेद और इसके अलावे कुछ महत्वपूर्ण सेट के बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो इसका कल आ जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आप इन सभी चीज़ों का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549 8650। अब हमें व्हाट्सएप करें और मैं आपको इसका पीडीएफ अवश्य शेयर करूँगा। थैंक यू।